कोई बात नहीं, गलती तो बहुत बड़ी बड़ी करी है, पिटने तो थोड़ी सी, क्या हुआ? अगर कोई पीट भी रहा है तो थोड़ा सा अकल तो लगनी चाहिए। गाइस स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस जी आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस जी आज के इस वीडियोज में सीमा हैदर को लेकर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीमा हैदर को यहाँ पर इंडिया में जो सचिन के घर पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो गाइस जी ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में सीमा हैदर को यहाँ पर जो मारपीट की जाती है या नहीं की जाती, तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरा स्टेप समझ आ सके। तो गाइस बिना देर के चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के बाद। बड़ी बड़ी करी है, पिटने तो थोड़ी सी, क्या हुआ? अगर कोई पीट भी रहा है तो थोड़ा सा अकल तो लगनी चाहिए। जिनके जिनके भरोसे पे वो इतना बड़ा धोखा करके आई है, अगर वो उसको उस भरोसे का उनको प्रसाद दे रहे हैं तो थोड़ा सा लगने दो ना। हाँ, कि आप ईसाई बिल्कुल हैं, बिल्कुल हिंदू हैं, राइट, मुस्लिम है, क्या है, सीमा के पासपोर्ट के अंदर ऐसा मुसलमान भी हो लिखा है, दोनों सकता है। पासपोर्ट के अंदर, अगर वो पिट रही है तो उसको बताना चाहिए कि जी मैं पिट रही हूँ, मुझे ही बता दे कि वकील साहब मैं पिट रही हूँ, मुझे बचा लो, तो मैं वहां से खुद निकाल मतलब दूंगा, उसको निकाल कर जेल खिंचवा दूंगा। हाँ, चाहे वो इसकी मैं मेरे खिलाफ खिलाफ पार्टी है, अगर वो मुझे भी फोन कर दे या मुझे कोई मैसेज दे दे कि वकील साहब मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ यार, मुझे ये मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं 2 सेकंड में उसको निकाल के उसको जेल में पहुंचा दूंगा, चल तू जेल में रह आराम से। वैसे तो मैं इसकी कोई लीगली कोई उसको मैं सर्टिफाइड नहीं करता हूँ कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा विषय तो लीगल कार्रवाई करना है। अब वो जो फोटो वो फर्जी हैं या एडिक्टेड हैं या कैसे हैं, वो मैं उस बात में नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, और ना मुझे इस बात की सच्चाई पता है कि लोग क्यों वायरल कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो पिट रही है तो अगर वो मान ले पिट भी रही है तो अगले दिन उसकी नई वीडियो आती है खुश खुश रहते हुए, और वो पता नहीं क्या क्या ड्रामे उसमें करती है, तो उसको देखकर नहीं लगता कहीं वो पिट रही होगी। और अगर अंदर खाने कहीं पिट भी रही हो तो कोई बात नहीं, पिटने दो उसको थोड़े दिन। अगर अंदर खाने पिट भी रही है, अगर उसको सच्चाई भी मान लिया जाए तो पिट रही है। देखिए, अब सीमा हैदर के मुंह में चुकंदर फंसा दी मैंने, और सचिन के मुंह में चुकंदर का बाप फंसा दिया है, ठीक है, और नेत्र का पाल के मुंह में भी चुकंदर फंस चुकी है। अब वो उनको बाहर निकालेंगे तो उनके लिए दिक्कत है, और उनको अंदर ले जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत है। अगर वो यूं कहेंगे कि अगर वो सचिन या ये सीमा गुलाम हैदर ये कहेगी कि जी कि मैं तो सचिन की वाइफ हूँ, तो आपने बेल एप्लीकेशन में अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा है, आपने आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो बेल के ऑर्डर है उसके अंदर आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ दिखाया है। जब पुलिस ने आपको पकड़ा तो जब पुलिस ने आपके बयान दिए तो उसके अंदर एफआईआर के अंदर जो आपने लिखवाया कि जी मैं फला फला हूँ, फला फला गाँव की, फला फला वाइफ, मैं फला व्यक्ति की, उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ आपने बताया, तो वो झूठ क्यों बोला? तो जब भी 420 लगेगी लगेगी। आपने बताया कि कोई इसने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग, कई चीजें ऐसी भी तो होती है ना कि बात कुछ और होती है, और वो मुद्दे से भटकाने के लिए वो कई, जोड़ दिया जाता है जी। क्योंकि लीगल कार्रवाई इस वक्त पे जोरों पे है उसके खिलाफ, तो कई सबूत भी छोड़े जा सकते हैं कि भाई उसने रिकॉर्डिंग कर ली, ये कर लिया। जब तक वो प्रूव ना हो जाए, उसकी कोई लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो उसी की आवाज है, किसी और की है, और अगर ऐसी रिकॉर्डिंग की भी गई है, कोई वायरल भी हुई है, तो उसको जस्टिफिकेशन कोर्ट में जब तक मान्यता नहीं है, जब तक के इसमें जो है आप एक सर्टिफिकेट कोर्ट में ना दे दो कि ये हमने इस वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की है, इस साउंड से छेड़छाड़ नहीं की है, जब तक वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो उसकी बिल्कुल है। फ्राजिक 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 रिपोर्ट के तौर पर उसकी पूरी जांच के बाद ही उसको कोर्ट एक्सेप्ट करती है। ऐसे नहीं हो हाँ, जाता कि कोई भी रिकॉर्ड करे और वायरल कर दे। उसमें एविडेंस एक्ट का एक प्रोविजन है, उसमें आपको लिख के देना पड़ेगा कि भाई ये आवाज ओरिजिनल है, हमने छेड़छाड़ नहीं की है, तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो जब उसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी है, अदरवाइज कोई कुछ ही करता रहो उसकी कोर्ट को, कोई कोर्ट में। और देखिए, हमारा काम है कोर्ट के अकॉर्डिंग चलना, सबूतों के अकॉर्डिंग चलना, ये हमारा विषय नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन वायरल कर रहा है, ये तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो कर सकते हैं, उनका अपना विषय है, लेकिन मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पुलिस की आवाज है किसकी है। हाँ,
अगर पुलिस में, पुलिस के, ऐसा नहीं है पुलिस के सारे अधिकारी गलत हैं, पुलिस के अच्छे अधिकारी भी हैं, पुलिस को, पुलिस में हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे अधिकारी भी हैं और जांच को अच्छा करने वाले लोग भी हैं, सभी गलत नहीं होते, एक आध होता है चलो उसके। तो अगर वो पुलिस, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं करती, नहीं, पुलिस कार्रवाई भी करती है। और अगर मान लिया एक आध ऑफिसर कोई ऐसा है तो हम कोर्ट के थ्रू अपना, अगर कोई पुलिस नहीं भी कर रही है तो कोर्ट के थ्रू करा लेंगे, इसमें हमारा कोई डायरेक्ट पुलिस से कोई कोई दुश्मनी तो है नहीं। और अगर कोई पुलिस ने कोई लापरवाही की है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट में इंक्वायरी खुलवा दूंगा मैं, तो उसको सजा मिलेगी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं बख्शूंगा तो हूँ नहीं उसे। अगर किसी डिपार्टमेंट, किसी पुलिस अधिकारी की कोई कमी मुझे मिलेगी तो मैं उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी के ऑर्डर कराऊंगा, क्योंकि कमी तो मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं, कानूनी रूप से तो मैं बख्शूंगा नहीं किसी रूप में भी। और अगर कोई अमल बिल्कुल ठीक कर रहा है तो उसकी अप्रिसिएशन भी बनती है, किसी अधिकारी ने अगर कानूनी रूप से अच्छा काम किया है तो उसके बारे में मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और पुलिस के आला अधिकारी को उसकी अप्रिसिएशन लेटर भी लिखूंगा कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, कानूनी कानूनी पेचीदगियों को और एक्सपेक्ट को, पहलुओं को पूरा किया है, तो ये तारीफ के काबिल है, आप इसको रिगार्ड कीजिए, इसकी प्रमोशन कीजिए। तो वो मैं भी लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही करेंगे तो खाली कार्रवाई करूंगा, वो जैसा कृत्य करेंगे, जैसा वो एक्शन करेंगे, जैसा उसका कंडक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्रवाई करूंगा। पर्सनल दुश्मनी तो किसी से है नहीं, मेरा काम तो लीगली है, कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो जो वीजा के लिए अप्लाई किया था, एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन, सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। तो जो अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, एड्रेस दिया गया था, और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, आपका धर्म क्या है। तो उसके अंदर सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है, तो अगर इस्लाम मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब अपना भी मुस्लिम, हाँ बिल्कुल, अपना भी बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है, तब का पूरे पांच के पांच लोगों का, बच्चों का भी, उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है भारत में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। वो क्यों बोल रही है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि बच्चों का तुम धर्म चेंज करा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब इनके भैया जी ने ट्विटर, उन भैया जी ने देखा कि तो मारा गया मैं, ये तो मैं इसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो इसके भैया जी ने नया डोज दे दिया इसको कि ये बोल, मैं तो वही होगी थी, वही होगी थी। तो जिस दिन, हम भी तो वकील हैं, तो जिस दिन तू हमने आप, मुझे पता था पहले, मेरे दिमाग में था कि ये दांव चल सकती है, ये कहेगी जब मैं इसको बच्चों के जो ये धर्म चेंज करा रही है, ये इसका भैया और सब मिलके, तो जब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तो ये क्या बचाव का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसी भी चीज को करने से पहले मैं उसका पूरा डायग्राम तैयार करता हूँ, तो मुझे पता था ये डिफेंस लेके, तो उस डिफेंस को मैंने पहले स्टक ऑफ कर दिया था। और एक चीज और बता दूं, पासपोर्ट के अंदर भी लिखा होता है कि आप किस मजहब से हैं, तो चारों बच्चे के जो पासपोर्ट पुलिस ने रिकवरी करे उसके अंदर लिखा हुआ, मेरे पासपोर्ट की सब नंबर है, सब कुछ आ गया मेरे पास, सारा कुछ ले लिया मैंने कोर्ट से, तो उसके अंदर जो है ना, उसमें लिखा जाता है आप किस धर्म से हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट उठा के देखना, तो उसमें वो होता है एक, हाँ, कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है। सीमा के पासपोर्ट के अंदर मुसलमान लिखा हुआ है, दोनों पासपोर्ट के अंदर। इसकी जो उम्र लिखी है वो 2002 लिखी हुई है उसके अंदर, हालांकि ये बड़ी है, मुझे तो लग रहा है बड़ी है, लेकिन इसने कलाकारी करके उसमें 2002 उम्र लिखवा रखी है। तो अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, अगर इसका कहीं से बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ लग जाए, पाकिस्तान में जहां पैदा हुई है, ओरिजिनल जहां पैदा हुई थी, तो वो मेरे को भेज दो, फिर फर्जी पासपोर्ट के चक्कर में इसको एक FIR और करा दूंगा इसके खिलाफ। उसमें एक नंबर पे तो जो है वो सीमा ही है, क्योंकि मैंने कि उस तो वही है, अगर वो ठीक होती तो इतनी नौबत ही ना थी, तो मैंने कि उस तो सीमा है। सेकंड नंबर पे उतना ही पार्ट सचिन का है, और उतना ही पार्ट जो है नेत्रपाल का है, और उसके अलावा हमने तीन लोगों को और रखा है उसके अंदर, तो उन तीन लोग में कौन कौन हो सकता है वो हम देखेंगे कि कौन कौन हो सकता है, किसका रोल है, किसका रोल पाया जाएगा। देखिए, अब
सीमा हैदर के मुंह में चकुंदर फंसा दी मैंने, और सचिन के मुंह में चकुंदर का बाप फंसा दिया है, ठीक है, और नेत्र का पाल के मुंह में भी चकुंदर फंस चुकी है। अब वो उनको बाहर निकालेंगे तो उनके लिए दिक्कत है, और उनको अंदर ले जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत है। अगर वो यूं कहेंगे कि अगर वो सचिन या ये सीमा गुलाम हैदर ये कहेगी कि जी कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं, तो आपने बेल एप्लीकेशन में अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा है, आपने आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो बेल के ऑर्डर है उसके अंदर आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ दिखाया है, जब पुलिस ने आपको पकड़ा तो जब पुलिस ने आपके बयान दिए तो उसके अंदर एफआईआर के अंदर जो आपने लिखवाया कि जी मैं फला फला हूँ, फला फला गांव की, फला फला वाइफ मैं, फला व्यक्ति की, उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ आपने बताया, तो वो झूठ क्यों बोला? तो जब भी 420 लगेगी लगेगी। मोमेंट साहब, सर एक चीज ये है कि जैसे ये तो मैं पूरी कर लेता हूँ, जब भी 420 लगेगी। अगर वो ये कहेगी जनाब कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, तो भारत की जनता उसको फिर जो है गलत बयानी करने पे उसको सीधा कर देगी कि अगर तू गुलाम की वाइफ थी तो फिर तू कैसे कह रही है कि मैं सचिन से एनिवर्सरी मना रही हूँ, मेरे से शादी होती। वो दोनों तरफ फंस चुकी है, उसको रास्ता नहीं है। उसको मुंह बोला भाई, क्या मुंह बोला भाई ना निकाल सकता, ना मुंह बोला कुछ कोई जीजा निकाल सकता, ना मुंह बोला कोई रिश्तेदार निकाल सकता, उसको कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता। वो ऐसी बुरी तरह फंस गई है, अब उसका रास्ता सिर्फ जेल है, वो जेल जाएगी और ये बच्चे जो है वो हैदर को मिले। जैसा कि गाइज आपने वीडियोस में देखा एक किस तरीके से जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने सीमा हैदर को लेकर कहा है और उनका जो भी कानूनी कार्रवाई उनके हिसाब से जो चल रही है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।